Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Coffee and Bits. Hope you all are fine and doing well. So in today's video, I'm going to tell you guys about some face massages for teenagers. मतलब this is not only for teenagers. मतलब कोई भी इन्हें कर सकता है, हर एज का बंदा. और ये teenagers इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी harsh नहीं आपकी स्किन के लिए. बहुत gentle सी मतलब face massage है. और मैं भी काफी देर से करती आ रही हूँ और मुझे काफी अच्छे लगे. So I decided to share it with you guys. So without any further ado, let's begin. इस तरफ चलना है, इस तरफ चलते हैं. ओके, सो मसाज स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि योर हैंड्स आर क्लीन. मेरे तो अभी साफ है, मैं अभी धोकर आई हूँ. एंड कीप योर हेयर अवे फ्रॉम योर फेस. इसलिए मैं ये बैंड यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं हर वीडियो में ओके, मैं पता है फेस मसाज किस तरह करती हूँ. मैं जो है रोज क्लींजिंग करती हूँ रात को सोने से पहले. तो मैं जब क्लींजिंग कर रही होती हूँ तो मैं उसके साथ साथ ही जो है ये करने लग जाती हूँ. तो क्लींजर जो है मैं ये वाला यूज करती हूँ, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ. तो जल्दी से क्लींजर लेते हैं और साथ साथ आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ. आप लोग एक काम करें, आप लोग भी जल्दी से लेके बैठे वापस मेरे साथ. तो सबसे पहले हम लोग क्लींजर लेंगे, इन पर अच्छे तरीके से लगाएंगे. तो यकीन करें जब से मैंने रोज क्लींजिंग करना शुरू की है, जो आप लोगों को रोज कोई ना कोई यहाँ पिंपल निकल आता था, ये बहुत हद तक कम हो चुका है. अभी आप लोगों को क्लींजर देख के लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सही हो जाएगा जैसे ही आप लोगों को मसाज करना शुरू करें. अगर आप लोग क्लींजिंग नहीं करना चाहते, मतलब अगर आप लोग क्लींजर नहीं यूज़ करना चाहते, आप लोगों के पास है नहीं, तो आप लोग कोई भी ऑयल ले लें, ऑलमंड ऑयल ले लें और कोकोनट ले सकते हैं. और इसके अलावा कोई फेस पर ना लगाएं तो ऑलिव भी ले सकते हैं. इसके अलावा और नहीं कोई लगाना, कैस्टर और मस्टर्ड कोई लगाना. सो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप नंबर वन की तरफ. यहाँ पे मैं आप लोगों को जितने भी स्टेप्स बताऊंगी वो आप लोगों ने ईच स्टेप जो है वो 10 टाइम्स करना है और बहुत जेंटल हैंड्स के साथ करना है. प्रेशर आप लोगों ने लाइट टू मीडियम रखना है, सही है. सबसे पहले आप लोगों ने अपने फिंगर्स को इतना करना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स इस साइड पे हो गया और फिर हम लोग 10 टाइम्स इस साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और प्रेशर आप लोगों ने बिल्कुल भी हार्श नहीं रखना, लाइट टू मीडियम रखना है, बिल्कुल हल्का सा इस तरह करना है. एंड दैट्स इट. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ. ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ. तो सेकंड स्टेप के लिए आप लोगों ने अपनी दोनों फिंगर्स बिल्कुल इस तरह रखनी है और जो मेन प्रेशर है वो आप लोगों ने अपनी मिडिल फिंगर पर डालना है और इस तरह करना है. 1, 2, 3, 4. यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 टाइम्स करना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है. और जो प्रेशर है वो लाइट टू मीडियम रखना है. अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टेप की तरफ, जो कि हम लोग यहाँ नोज पर करेंगे. बिल्कुल आप लोगों ने अपने इसमें दो फिंगर्स देनी है और प्रेशर जो है मेन वाली पर रखना है, इधर भी रखना है लेकिन ज़्यादा जो है इस वाली पर रखना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम लोगों ने फिर से अपने फिंगर्स को इस तरह बनाना है. अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ. उसके लिए हम लोगों ने फिर से अपनी फिंगर्स को इस तरह करेंगे. एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. आप लोग चाहे तो पहले 10 को साइड को इस तरफ कर ले, फिर 10 साइड को इस तरफ कर ले. मैंने जरा दोनों इकट्ठे कर लिए क्योंकि इतना जल्दी हो जाता है और मुझे करना भी आता है इस तरह, इसमें कोई मुश्किल. अब हम चलते हैं अब अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि है हमने इस फिंगर से करना है. ये वाली फिंगर हम इसे लेंगे क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है ये सबसे ज़्यादा जेंटल होता है. तो हम लोग अपनी ये वाली फिंगर लेंगे इस वाले मसाज के लिए. तो सबसे पहले अपनी दोनों ये वाली फिंगर्स ले लें, यहाँ से शुरू करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it.
अब हम लोग फिर से अपनी फिंगर्स लेंगे ये वाली तीन, और अब फॉरहेड की बारी है तो हम लोग सिक्स एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज जो नहीं सिक्स स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको आप लोग थोड़ी देर मतलब ज़्यादा पहले 15 टाइम्स कर लें। अब 10 टाइम्स हम लोग अगला वाला स्टेप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो ये वाले स्टेप्स है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी अंडर आइज पर और जो हमारे फॉरहेड पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं, और इसी एज में जो है रिंकल्स आने लग जाते हैं, तो ये उनके लिए। ओके, तो एज यू गाइस कैन सी हमारा मसाज हो गया है, और अब हम लोग जल्दी से जो है इसको वाइप आउट कर लेते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक कॉटन पैड, और इससे काफ़ी ज़्यादा डर्ट उतर गया है। आप लोग बेशक रोज़ मेकअप ना करें, लेकिन जब आप लोग क्लीन क्लीन करेंगे ना इस तरह की, तो आप लोगों के मुँह से कुछ ना कुछ डर्ट वगैरह ज़रूर। और मेक श्योर कि मॉइस्चराइजर लगाते वक्त भी अपनी स्किन को इस तरह ड्रैग ना करें, जो है ऊपर की तरफ करें और फॉरहेड को नीचे की तरफ, चीक्स पे हमेशा ऊपर की तरफ। और ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इसमें 2 मिनट लगते हैं। आप लोग चाहे तो इसको रोज भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, चाहे तो वीक्स में 2 दफा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर रोज़ करें तो, और या एक दिन छोड़कर करें तब ज़्यादा बेहतर है, और उसके रिजल्ट्स आप लोगों को तब ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज लाइक इट एंड इट मे हेल्प यू गाइज आउट। सो इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, गेट इट डाउन बिलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।